हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी आपके तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक लिमिटेड में निकली है, जो कि एक लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया का। तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक आपको जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की कर रहा है, जो कि आपके स्केल टू कैडर की होने वाली है। ये जॉब आपके कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब नहीं है, ये एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है आपके लिए। अगर आप लोग इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की जो क्वेरी मेरे पास आती है, चाहे वो आपके यूट्यूब के कमेंट में हो या फिर आपके इंस्टाग्राम पे कोई टेक्स्ट मैसेज हो या फिर ट्विटर का कोई टेक्स्ट मैसेज हो, मेरे पास जो मैक्सिमम क्वेरीज आती हैं उनके आंसर्स मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में दे चुका होता हूं। मैं चाहूंगा आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिएगा ताकि आपकी क्वेरीज ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाए और आपको मेरे पास आने की जरूरत ही ना पड़े। इन केस अगर आपकी कोई क्वेरी रिजॉल्व नहीं होती है तो आप मेरे को जरूर टेक्स्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो मुझे कहे कि सर मैंने आपको टेक्स्ट करा था और आपने मेरे को रिवर्ट बैक नहीं करा। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपके हर एक कमेंट बॉक्स का, हर एक टेक्स्ट मैसेज का टाइमली रिप्लाई कर दूं ताकि आपके प्रोसेस जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। तो मैं चाहूंगा आप लोग वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि आपकी क्वेरीज ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाए। इन केस नहीं होती है तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। अब हम बात कर लेते हैं इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। ये सारा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं। जो भी बच्चा अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है इंडिया में कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपके कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, चाहे वो इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपके जुडिशरी की वैकेंसी हो या फिर कोई बैंक की वैकेंसी हो या कोई पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, कोई भी वैकेंसी हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग निकलेगी इंडिया में, तो आपको इस चैनल में उस वैकेंसी के रिगार्डिंग टाइमली अपडेट मिल जाएंगे ताकि आप उन पूरे प्रोसेसेस का टाइमली ही पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, मैं चाहूंगा वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ये एप्लीकेशन आपकी 7th ऑफ सितंबर 2023 को पब्लिश करी गई थी तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इन्होंने ये एप्लीकेशन सिर्फ 10 दिन के लिए निकाली है, तो मैं चाहूंगा आप लोग इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर लीजिए। आपके पास सिर्फ 4 दिन है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अच्छी बात यह है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है इस फॉर्म में, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सिर्फ जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकेंड लिंक अवेलेबल कराऊंगा, आप उस पर क्लिक करिएगा, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। इन केस अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई किसी तरीके की क्वेरी अराइज होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं मैं आपको जरूर रिप्लाई करता हूं और पूरी कोशिश करता हूं आपकी क्वेरी जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाए। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो एज और जो एक्सपीरियंस रखा गया है, इन्होंने बोला है आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का LLB कोर्स कराओ या फिर 5 ईयर का BA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आपके पास LLB की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। एज बोला है आपकी एज अबव 35 इयर्स नहीं होनी चाहिए, आपको अपनी एज 31st ऑफ अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। अगर आपकी एज 31st ऑफ अगस्त के अकॉर्डिंग 35 कंप्लीट नहीं हुई है तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। स्केल मैं आपको बता चुका हूं, आपकी जो स्केल होने वाला है वो सेकेंड कैडर का होने वाला है। एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं, इन्होंने बोला है आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल डिपार्टमेंट में काम करते हुए। अब बात कर लेते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग की, आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग अहमदाबाद भी हो सकती है, मुंबई भी हो सकती है, एनी वेयर इन इंडिया लिखा हुआ है, मतलब पैन इंडिया में जहां भी इस बैंक की ब्रांचेस होंगी आपको वहां पे लोकेट किया जा सकता है। तो आपको रीलोकेशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे तो। अब बात कर लेते हैं आपको ये फॉर्म कौन सी डेट से पहले फिलअप कर देना है। मैं आपको जैसा बता चुका हूं सिर्फ 4 दिन बाद है, इट मींस 18th ऑफ सितंबर 2023 से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर बड़ा सिंपल है। आप जब अपना फॉर्म फिलअप करके भेजेंगे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। आपको शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको मैसेज के थ्रू या फिर जो आपने ईमेल आईडी मेंशन करी होगी वहां के थ्रू आपको इंटीमेट किया जाएगा, आपको उसी में डेट, वेन्यू और टाइम बता दिया होगा
कि आपको कौन से डेट, कौन से टाइम और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है, बैंक एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाएगा, और अगर आपका नाम उस मेरिट लिस्ट में होता है, आप इस पूरे प्रोसेस में सिलेक्ट हो चुके हैं। एप्लीकेशन में आपको बता चुका हूं, एप्लीकेशन निल है, कोई भी एप्लीकेशन फी इस फॉर्म में नहीं रखी गई है। लेकिन जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, मेक श्योर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, मैं एक बार पढ़ के भी बता देता हूं। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आपके 10th 12th की मार्कशीट, आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इट मींस जो आपका सीबीएसई बोर्ड वालों का जो 10th का आपका पासिंग सर्टिफिकेट होता है, उसी को एज प्रूफ माना जाता है, उसको आपको अपलोड करना है सेल्फ अटेस्ट करके। आपको अपनी डिग्री सर्टिफिकेट, पर्सनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, फोटोकॉपी ऑफ एनी एडिशनल क्वालिफिकेशन, मींस अगर आपने एलएलबी के बाद एलएलएम करी है, या आपने एमफिल करी है, या आपने पीएचडी करी है, आपने कोई भी एक्स्ट्रा या कोई डिप्लोमा करा है, तो आप इसमें वो भी मेंशन कर सकते हैं जो आपको लगता है बैंक को पता होना चाहिए कि आपने ये भी एडिशनल क्वालिफिकेशन ली है। एक्सपीरियंस की बात, आपको अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपका अपना रिलीविंग लेटर ले सकते हैं वहां से, और उसको मेंशन कर सकते हैं, उसको अपलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, तो ये आपका पूरा प्रोसेस होने वाला है। इनकेस अगर आपको इस फॉर्म को फिलअप करने में किसी तरीके की क्वेरी अराइज होती है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर इंस्टाग्राम, या फिर मुझे ट्विटर पे टेक्स्ट ड्रॉप कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी ही टाइमली वैकेंसीज के रिगार्डिंग अपडेट्स मिल जाए, स्पेशली लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।